हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेविंग मोटर्स। तो भाई आज का हमारा कंपैरिजन रहेगा ह्यूंडई ओरा और ह्यूंडई नियोस के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें हमारे दोनों सेम मिलते हैं कीज़, लेकिन वेरिएंट का इसमें फ़र्क है दोनों में। वो हमारा स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट है, ये हमारा एस वेरिएंट है। अगर वेरिएंट के कंपैरिजन में देखें तो इसका एस वेरिएंट और उसका मैग्ना वेरिएंट दोनों सेम होते हैं। उसका जो स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है पेट्रोल में, वो इसके प्राइस रेट में सेम आता है। ये ऑन रोड पड़ती है 790 की और वो पड़ती है 780 के आसपास की ऑन रोड पेट्रोल वाला, लेकिन उसमें स्पोर्ट्स सीएनजी है इसलिए वो महंगी है। वो 870 की 880 की आज ऑन रोड पड़ती है 2022 दिसंबर में। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो भाई फ्रंट से इन दोनों की लुक में काफ़ी फ़र्क है। आप देख सकते हैं उसकी ग्रिल अलग है, इसकी ग्रिल अलग है, और बाकी फ्रंट से इतना कोई खास फ़र्क नहीं, लेकिन इन ग्रिल के कारण ही इनमें काफ़ी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। उसमें हमें जो DRL मिलता है वो सिंगल DRL मिलता है दोनों तरफ, इसमें हमें दोनों तरफ डबल DRL मिलते हैं जो यहाँ पर आपको ग्रिल में मिलते हैं। तो फ्रंट से इन दोनों की लुक की बात करें तो इनमें यही फ़र्क है, और बाकी भाई इसमें हमें रूफ रेल नहीं मिलती है, उसमें हमें रूफ रेल भी मिलती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं पेट्रोल की कार लेने का तो आप इसकी जगह इस पे जा सकते हैं। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट लेंगे पेट्रोल में तो इसके प्राइस रेट में वो सेम आएगा। इससे स्पोर्ट्स सीएनजी से उसमें एक दो फीचर ज़्यादा हैं स्पोर्ट्स पेट्रोल में। उसमें एक तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, अंदर जो आपका मीटर है वो आपको डिजिटल मिल जाता है। तो ये आपको कंपैरिजन के लिए एक पूरी मैंने वीडियो बनाई है कि आपको ओरा लेनी चाहिए या फिर नियोस लेनी चाहिए उसी प्राइस बैंड के अंदर। तो ये हमें पड़ती 790 की और वो भी हमें 780 की पड़ती है दोनों पेट्रोल। ये स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट, ये हमारा एस वेरिएंट। इसका स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट एस प्लस के बराबर होता है, लेकिन ये थोड़ी भाई सेडान है, थोड़ी बड़ी कार है, तो इसलिए इसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। इसकी थोड़ी लेंथ भी ज़्यादा है इससे, तो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा लग जाता है। तो भाई साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको इसमें फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है ओरा के अंदर, इसमें आपको फेंडर पे नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है साइड मिरर पे। और ये इलेक्ट्रॉनिकल फोल्ड भी होते हैं, लॉक अनलॉक के साथ नहीं होते हैं, इसमें अंदर स्विच दे रखा उससे होते हैं, ये फोल्ड भी नहीं होते, ये आपको नॉर्मल मैनुअल मिलते हैं। और बाकी भाई साइड में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें हमने ये एसेसरीज लगवा रखी हैं, इसमें भी एसेसरीज लगवा रखी हैं क्रोम वगैरह की, हैंडल क्रोम भी इन्होंने एसेसरीज में लगवा रखी जिन भाई की कार है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई नियोस में हमें अलॉय मिल जाते हैं, ब्लैक वाले इतने कोई खास लगते नहीं पर फिर भी अलॉय तो हैं। तो इनके टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये हमारे हैं 165/70R14, और ये टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये हमारे 165/70R14, ये भी 165/70R14, ये भी दोनों सेम है। इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम मिलता है और व्हील कैप मिलता है, इसमें आपको अलॉय मिलता है। एक तो सबसे मेजर जो फ़र्क है वो इन दोनों में ये है, दूसरा आपको साइड मिरर का मिलता है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिकल फोल्ड हो जाते हैं। रियर की बात करें तो भाई इन दोनों में रियर में आप फ़र्क देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर शार्क फिन एंटीना इसमें नहीं आता है, इसमें नॉर्मल एंटीना आता है, इसमें शार्क फिन एंटीना कंपनी से आता है, उसमें भाई ने लगवा रखा। आप देख सकते हैं दोनों के डिज़ाइन में शेप में काफ़ी फ़र्क है, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा आफ्टर मार्केट है। ये हमारा एंटीना काफ़ी महंगा आता है, वो 1500 में आ जाता है। और बाकी ये इन्होंने इसमें स्पॉयलर लगवा रखा है, एस में आपका स्पॉयलर नहीं आता है यहाँ पर। और सबसे जो मेजर फ़र्क है ना भाई इन दोनों में रियर से, एक तो इसमें रियर कैमरा नहीं है ओरा में, नियोस में हमें रियर कैमरा भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पार्किंग सेंसर इसमें आते हैं, दो पार्किंग सेंसर इसी में आते हैं। इसमें और एक सबसे बड़ी दिक्कत है ओरा में, यहाँ से आप इसको बूट के एक्सेस को नहीं कर सकते अगर आपकी कार का लॉक अनलॉक है। इसके लिए आपको क्या तो ये होल्ड करके रखना पड़ेगा या फिर आपको आगे से खोलना पड़ेगा। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक बटन यहाँ पे आपको मिलता है नियोस के अंदर, जिससे हमारा बूट ओपन हो जाता है, ये वाला बटन की मैं बात कर रहा हूँ। बूट स्पेस की बात करें तो भाई स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट में बूट स्पेस कुछ भी नहीं बचता है, थोड़ा बहुत बचता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान आ सकता है, बैग वगैरह, स्कूल बैग वगैरह। ओरा की बूट स्पेस की बात करें तो इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो जिनको बूट स्पेस चाहिए भाई वो ओरा के लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं बूट स्पेस हमें इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। अभी भाई ने इसमें ये वूफर का बॉक्स भी रख रखा और उसके बाद भी कितना ज़्यादा बूट स्पेस है। स्पोर्ट्स जो इसमें पेट्रोल वाला वेरियंट है न्यूज में, उसमें भी बूट स्पेस इतना कोई खास नहीं मिलता अगर हम ओरा से कंपेयर करें तो, उसमें काफ़ी कम हमें बूट स्पेस मिलता है। और बाकी रियर डिफोगर हमें दोनों कार्स में मिलता है, इसमें मिलता है उसमें मिलता है। तो अब चलते हैं हम दोनों की इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में क्या कुछ फ़र्क है। बाकी लुक की देखें ना तो भाई पीछे से मुझे इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू ओरा, क्योंकि ओरा की लुक भाई थोड़ी अजीब लगती है, ये पीछे से सही नहीं लगती, लेकिन इसकी जो LED दे रखी है ना बैक लाइट में, ये काफ़ी अच्छी लगती है रात को, उसकी में कोई LED वगैरह कुछ नहीं मिलती पीछे में आपको, लेकिन इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है पीछे से। इंटीरियर की तरफ चले तो भाई इंटीरियर हमें दोनों कार का सेम मिलता है, बस थोड़ा बहुत जो है इनमें कलर का फ़र्क है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आपका है नियोस का इंटीरियर स्पोर्ट्स CNG वाला वेरिएंट, इसमें हमने आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवा रखा। अब मैं आपको ओरा का दिखा देता हूँ, ये है भाई हमारा ओरा का इंटीरियर। आप देख सकते हैं डोर पैनल्स दोनों के सेम है, बस हैंडल वगैरह का फ़र्क है, यहाँ पर स्विच नहीं मिलता। और ये है इंटीरियर, इंटीरियर में बस कलर का फ़र्क है। इसमें भाई ने जो ये टच स्क्रीन आप देख रहे हैं
ये वाली टच स्क्रीन भाई ने लगवा रखी है, ये इसमें नहीं आती है। इसमें आपको स्टीरियो मिलता है डबल डिन वाला, और इसमें इंटीरियर में इन्होंने भी कुछ नहीं कर रखा, सारी चीज़ स्टॉक है। म्यूजिक सिस्टम में बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, नियोस का म्यूजिक सिस्टम भी स्टॉक है, वो खैर कंपैरिजन में क्या ही करना है। इसमें सीट कवर चढ़ रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये कंपनी से चढ़े थे ह्यूंडई से ही। इनकी कम क्वालिटी भाई आप देख सकते हैं बहुत बेकार है। ह्यूंडई वाले एसेसरीज में देते हैं ना ढंग से करते नहीं है भाई, ये डीलरशिप के ऊपर होता है। कई डीलर्स हैं ना भाई सिर्फ लूटते हैं, कुछ भी है ना क्वालिटी वगैरह सर्व करते ही नहीं है। नियोस में मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये हमारे कंपनी के अभी तक सीट कवर है जो जेन्युइन इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं। इंटीरियर की भाई बात करें तो कलर मुझे ये वाला भी सही लगता है और वो वाला भी सही लगता है, कलर दोनों सही है, लेकिन बस इन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें आपको सिल्वर कलर दे रखा है अंदर, उसमें आपको ब्रॉन्ज कलर दे रखा है। फीचर्स की बात करें तो भाई आपको जो न्यू स्पोर्ट्स मिलता है उसमें आपको यहाँ पे टच स्क्रीन भी मिल जाती है, ऑटोमेटिक एसी भी मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीज़ इसमें चलती है हमारी यहाँ पे। लेकिन इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, आर्मरेस्ट इसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता है। स्टीयरिंग कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल एनालॉग मीटर मिलता है स्पोर्ट्स सीएनजी के अंदर, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पेट्रोल लेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे जो स्पीड वाला मीटर है वो पूरा डिजिटल मिलेगा। बाकी फीचर्स का भाई इसमें दोनों में नियोस और ओरा में यही फ़र्क है फ्रंट से जो अगर हम बात करें तो। इसमें बाकी आपको ये एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नियोस में मिलते हैं, ओरा में मिलते हैं, लेकिन इसमें फोल्डेबल है जो आपका स्विच है, इससे दोनों ये मिरर इसके आपके फोल्ड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि मिरर फोल्ड हो गया, वे अनफोल्ड हो गया। बाकी भाई फ्रंट में आपको यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलती है अगर हम बात करें नियोस के अंदर, यहाँ पे आपको बस एक सेंटर में मिलती है। और फ्रंट में आपको जो माइक है ये भाई ऐसा लगता है जैसे आफ्टर मार्केट है, ये साइड में प्लेस कर रखा है इन्होंने ड्राइवर साइड में, कम से कम यहाँ लाइट देते लाइट के अंदर प्लेस कर देते, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल मिरर मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, बस ये कि ये टोल रिसीट होल्डर वगैरह मिलता है। तो भाई चलिए अब हम ओरा के अंदर चलते हैं, ओरा के अंदर देखते हैं क्या कुछ फ़र्क है। तो ये है भाई हमारी ओरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें नॉर्मल मैनुअल एसी मिलता है आपको, यहाँ पे इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का कुछ भी फीचर नहीं मिलता है। लेकिन अभी भाई ने इसमें जब से ये स्टीरियो इन्होंने लगवाया सेम कंपनी वाला, जब से इन्होंने उसमें करवा लिया था, इसके वायरिंग के कुछ चार्जेस अलग लगते हैं। देखिए बिल्कुल ये जेन्युइन है, इसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, आर्मरेस्ट इसमें भी नहीं आता, और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें भी मिल जाते हैं, ये भी कंपनी से आते हैं। मीटर आपको सेम ये आपको नियोस जैसा मिलता है, बस नियोस स्पोर्ट्स सीएनजी में यहाँ पे बाहर का एक अलग है, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। यहाँ पे आपको जो साइड मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन फोल्डेबल नहीं है, ये मैनुअल आपके फोल्डेबल। ये एक इसमें इंटीरियर में फ़र्क है, और एक इसका जो डोर हैंडल है ब्लैक फिनिश में, उसका सिल्वर फिनिश में वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक ये भी इसमें फ़र्क है। इसमें आप देखिए यहाँ पे फ्रंट की जो लाइट है वो प्लेस कर रखी है, रियर की लाइट भी प्लेस कर रखी है, जबकि ये थोड़ा उससे कम नीचे वाला वेरिएंट है। माइक लेकिन दोनों का यही है, माइक बहुत अजीब लगता है भाई। यहाँ पे आपको टोल रिसीट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, इसका जो ये है ग्लोव बॉक्स दोनों गाड़ियों का हमारा सेम है बिल्कुल। और बाकी भाई इनके इंटीरियर में कोई फर्क नहीं है, बस जो फीचर्स का फर्क था वो स्टीरियो का, ऑटोमेटिक एसी, इन चीज़ों का फर्क है। अब हम रियर की तरफ चलते हैं ओरा के। तो भाई अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस दोनों कार्स में बिल्कुल सेम मिलता है, क्योंकि जो इनकी सीट की प्लेसमेंट वगैरह वो सारी चीज़ दोनों कार्स की सेम है, आप देख सकते हैं। आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, वो आपको नियोस में मिलते हैं, ओरा में मिलते हैं। ये इनका मैग्ना वेरिएंट से आने शुरू हो जाते हैं, बेस वेरिएंट में सिर्फ ये नहीं देते, बाकी मैग्ना वेरिएंट से देते हैं। और बाकी भाई रियर में दोनों कार्स में कोई फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब हमारी नियोस है, आप देख सकते हैं स्पेस इन दोनों कार्स में लगभग बराबर ही है, बिल्कुल सेम है। पीछे आपको कोई लाइट प्लेस नहीं गई है, बस वो सेंटर में लाइट मिलती है। रियर एसी वेरिएंट्स आपको यहाँ भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट में। ये पोर्ट आपको ओरा में भी मिल जाते हैं, दोनों कार्स में सेम है। बाकी और इनमें इंटीरियर में कोई फर्क नहीं है, बस ये डोर हैंडल्स का, चारों डोर हैंडल्स इसके सिल्वर है, उसमें ब्लैक मिलते हैं। और बाकी भाई इनकी लेंथ में तो फर्क है क्योंकि वो सेडान है, ये हैचबैक है। और बाकी ड्राइविंग में दोनों कार्स में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चलती हैं। पिकअप हल्का सा नियोस का ज़्यादा है, ओरा का हल्का सा कम है, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है एक तो, और इसमें थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है। तो अगर परफॉर्मेंस में देखें तो हल्की सी ज़्यादा है, हल्का सा फ़र्क है, कोई खास इतना फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों पेट्रोल है हमारी। ये हमारी स्पोर्ट्स सीएनजी वाला वेरिएंट है, ये हमारी प्योर पेट्रोल है। तो भाई अगर आप प्लान कर रहे हैं नियोस या फिर ओरा में से कोई कार लेने का, तो आपके बेसिकली यूजेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो आप 870 में ये भी ले सकते हैं, आपको नियोस मिल जाएगी स्पोर्ट्स सीएनजी। और अगर आप ओरा एस सीएनजी लेना चाहते हैं तो ये आपको 9,10,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है।
40-50 हज़ार रुपये का दोनों कार्स में फ़र्क है, लेकिन दोनों सी एन जी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोल में ये आपकी आज पड़ती है 7,80,000 रुपये की, और ये हमारी पड़ती है 7,70,000 रुपये की। सिर्फ 10,000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन ये हमारा एस वेरियंट आएगा उतने में, और ये हमारा स्पोर्ट्स वेरियंट आएगा जिसमें फ़ीचर्स का काफ़ी फ़र्क है। फ़ीचर्स की बात करें तो भाई दोनों में फ़ीचर्स में काफ़ी सारे फ़र्क मिलते हैं। इसमें आपको टच भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी भी आता है, आपको अलॉय भी मिलते हैं, साइड मिरर फोल्डेबल भी मिलते हैं, रूफ रेल भी मिलती है, शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, और रिवर्स कैमरा भी मिलता है। फीचर्स में देखे तो काफ़ी फीचर लोडेड कार है हमारी न्यू स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट। और ओरा की बात करें तो एस वेरिएंट में आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये भाई आपकी चॉइस के ऊपर, आप ओरा लेना चाहते हैं या फिर न्यूस लेना चाहते हैं, और साथ ही आपके यूजेज के ऊपर भी। अगर आप बूट स्पेस चाहते हैं तो भाई ओरा बेस्ट आपके लिए, न्यूस में हमें बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है। और अगर आप सीएनजी के साथ भी बूट स्पेस चाहते हैं तो फिर भी ओरा ही है, क्योंकि ओरा में सीएनजी लगने के बाद भी बूट स्पेस मिलता है, न्यूस में बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ भाई आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई यही थी एक वीडियो ह्यूंडई ग्रैंड अटन न्यूस और ह्यूंडई ओरा एस वेरिएंट के कंपैरिजन के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।